हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, ये रेडमी का फ़ोन है। रेडमी का आपका कोई भी फ़ोन हो, अचानक आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे अचानक आपका टच काम करना बंद कर दे, अचानक आपका डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद कर दे। यहाँ पे देख लीजिए, इसका टच जो है नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब टच हैंग हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक टच काम करना बंद कर देता है, अचानक माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर देता है, या अचानक डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना है। और रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, केवल पावर बटन को, आपको पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखना है, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पावर बटन को प्रेस करके रखा है। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम है, यहाँ पे देखिए रिबूट हो रहा है। तो दोस्तों, अब कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा फ़ोन जो है चलते चलते अचानक हमारे फ़ोन का जो है डिस्प्ले काम करना बंद कर देता है, टच काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर देता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोगों पे हैंग हो जाता है। तो अचानक से आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और स्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। रिबूट और स्टार्ट करने में कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पे थोड़े समय में हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा फ़ोन का जो है टच काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन मतलब ऑन हो रहा है। तब तक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा समय और लगेगा, उसके बाद हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। पहले हमारा जो है टच नहीं काम करता था। अधिकतर ऐसा प्रॉब्लम उस फ़ोन में आता है जिसका मतलब डिस्प्ले चेंज होता है, फोल्डर चेंज होने पर ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर फ़ोन में आता है कि जो है अचानक हमारा जो है टच काम करना बंद कर देता है, अचानक डिस्प्ले पर ग्राफिक आना भी बंद हो जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ हो जाता है, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके जरूर देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारा जो है टच पूरी तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। तो यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।